इन्फॉर्मेशन को आप अपने पूरे फैमिली के साथ इसे अटेंड कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं जिस काम को भी आप कर रहे हैं उस काम के बारे में आपकी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से और पूरी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहते हैं कि किसी ने पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक विद्वान ने जवाब दिया कि टांग के बदले हाथ को खींचें। सही बात है, अगर हम समाज में किसी के टांग के बदले उसके हाथ को खींचेंगे तो कहीं ना कहीं हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये मीटिंग आपको क्यों दी जा रही है और इस मीटिंग का मेन पर्पस क्या है, और अगर आप इस सेफ शॉप संस्था में ज्वाइन हुए हैं तो ये मीटिंग आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस मीटिंग को आपको क्यों दिया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये मीटिंग पहली बात तो जब आप ज्वाइन होते हैं उसके 24 घंटे के अंदर ही आपको प्रोवाइड किया जाता है, 24 से 48 घंटे मैक्सिमम होते हैं इसके। उसके बाद एक सक्सेसफुल अपलाइन जो अपने ही क्षेत्र में ज़्यादा चतुर है, अपने ही क्षेत्र की अच्छे से नॉलेज रखता है, उसके माध्यम से आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, और अप्रॉक्सीमेट 40 से 45 मिनट का समय उनके द्वारा लिया जाता है, लेकिन मैं इसे बहुत ही कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की इस मीटिंग को जानते हैं। हम बात करते हैं हमारी सेफ शॉप संस्था की। तो हमारी सेफ शॉप की जो संस्था है, कंपनी है, इसका हेड ऑफिस A3/24 न्यू दिल्ली जनकपुरी में है। आप कभी भी यहाँ जाकर इस संस्था को विज़िट कर सकते हैं। अगर किसी भाई को जो ज्वाइन हुआ है उसे थोड़ा भी शक है कि ये कंपनी यहाँ है भी या नहीं, तो आप बेझिझक कभी भी यहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इस संस्था को किसने स्टार्ट किया था। तो सर, इस संस्था को 5 डायरेक्टर ने मिलकर स्टार्ट किया था, और वो 5ों डायरेक्टर अभी आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे। देखिए, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन जो थे वो श्री रजत वर्मा जी हैं, और डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस जो हैं श्री हरीश चौधरी जी हैं, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं श्री राजपाल अरोड़ा जी हैं, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग श्री राज आनंद जी, और डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है श्री सिद्धार्थ सैगल जी हैं। यही वो 5 विजनरी डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की थी जिसके अंदर एक मध्यवर्गीय का लोग, एक मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी के सारे सपनों को पूरा कर सकता है और अपने लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर सकता है जिसके वो ख्वाब बचपन में देखता है। हम एक एक चीज़ को बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। जान लेते हैं कि सेफ शॉप के बारे में दुनिया क्या कहती है। तो हमारे पास पूरे प्रूव हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर हैं, आप सब देख सकते हैं। ना जाने कितने सैकड़ों अखबारों ने छाप दिया सेफ शॉप के बारे में। थोड़ी सी एक झलक देखिए, युवाओं को रोजगार दे रहा है सेफ शॉप, लगन और मेहनत से मिलती है सफलता, सिक्योर लाइफ, सेफ शॉप में छुपा है सुनहरा भविष्य, सेफ शॉप सिक्योर लाइफ हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ कंपनी। जी हाँ, ये सारे एकदम सच एंड एकदम प्रूवन स्टेटमेंट है, एक प्रूवन छापा गया न्यूज़ है जो कि आपको अभी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ये सब चीज़ हमें दर्शाता है, ये सब चीज़ हमें बताता है कि सिक्योर लाइफ यानी कि सेफ शॉप में आप कितना बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। देखिए, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। सही बात है, अगर हम अपने बारे में सही सोचते हैं तो दुनिया कुछ भी बोले, हमें उस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की नहीं सुनी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस सेफ शॉप कंपनी पर भरोसा किया और इसमें बहुत बड़ा करके दिखाया। देखिए, पेन जो होता है ना वो हमेशा टेम्पररी होता है, लेकिन प्राइड जो होता है वो हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए होता है। और आप देख सकते हैं जीवन कैसे बदल जाता है, ये 3 फोटो ही इसे बताने के लिए काफ़ी है। आप जसवीर सर का 2009 का फ़ोटो देख सकते हैं जब वो टोपेज बने थे, 2011 देख सकते हैं, उसके बाद 2020 में इनकी सेल्फ डेवलपमेंट से लेकर इनकम, मैं अभी एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि कौन से व्यक्ति ने कितनी इनकम कमाई। और यही नहीं है, इनके जैसे लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं जो सेफ शॉप संस्था के माध्यम से आज लाखों की इनकम महीने की ले रहे हैं। हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल है, ये तब की फ़ोटो है जब ये ज्वाइन हुए थे और ये शुरू शुरू में ये काम करना स्टार्ट किया था। और आगे हम बात करते हैं,
देखिए कैसे जब एमराल्ड बने थे हमारे माधव सिंह माधव गुरु जी, और आज यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर हैं, कैसे इनका व्यक्तित्व का विकास हुआ, कैसे इनकी इनकम ग्रोथ हुई, एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये इस तरह से आपका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट किया जाता है, ये डायमंड क्लब है इनका। और देखिए इनकम की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पैसा सेफ शॉप कंपनी में हमारे महागुरु जी हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल जी ने कमाया है। इनकी एक एक हफ्ते की बात करूँ तो इन्होंने तो ज़्यादातर मैक्सिमम हर एक हफ्ते का 4 लाख का तो इनका फिक्स्ड ही रहता है, लेकिन इन्होंने सबसे हाईएस्ट जो इनकम एक हफ्ते की लेके बताई है पूरे वर्ल्ड वाइड का रिकॉर्ड है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा कोई भी सबसे ज़्यादा अगर इनकम लिया है तो वो हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल जी हैं, जिन्होंने 1,02,80,626 रुपये का चेक लेकर आज दिखाया है। आगे बात करूँ तो हमारे योगेश यादव जी हैं, 11 लाख रुपये का चेक लेकर दिखाया है। उनके ही भाई पवन यादव हैं, इन्होंने भी 5-5 लाख रुपए हफ्ते यहां से लेकर दिखाए हैं। आगे बात करूं तो हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर पीआर चौधरी राजस्थान के रहने वाले हैं, इन्होंने भी 5,01,750 रुपए हफ्ते के कमा के दिखाए हैं, 3,70,154 रुपये हफ्ते के कमा के बताए हैं। हम आगे बात करें तो अनमोल कुमार झा जी हैं, इन्होंने भी 2,21,495 रुपये हफ्ते का। और हमारे इंद्रपाल जी हैं, ये भी डायमंड ये भी यहाँ से 2,48,210 रुपये हफ्ते की इनकम लेके इन्होंने दिखाई है। और केवल ये तो डेमो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हफ्ते के 2-2 लाख 4-4 लाख 10-10 लाख 15-15 लाख इस कंपनी में कमाते हैं। अभी आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, इंसान को तब बिलीव होता है जब वो खुद अपनी आँखों से देखता है। देखिए सेफ शॉप जो कंपनी है ना सर, इसका जो प्रोफाइल है ना वर्ल्ड क्लास कंपनी प्रोफाइल है, और वर्ल्ड क्लास की इसके पास कंपनी के प्रोडक्ट हैं, और वर्ल्ड क्लास का कंपनी का इसका पे आउट है, इसलिए आज के समय में सेफ शॉप जो कंपनी है वो नंबर वन है। फैक्ट्स एंड फिगर की बात करूं तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 14 दिसंबर 2000 को, और रजिस्टर है कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर 22 जनवरी 2001 से है, और फर्स्ट MLM कंपनी थी इंडिया की जो कि ISO सर्टिफिकेट लेके आई थी, फॉर्मर IRDA से सर्टिस्फाइड है, नंबर वन इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और इंडिया के अंदर 80 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके पास, और 20 साल पुरानी कंपनी है ये, 2000 में स्टार्ट हुई तो अभी 2021 चल रहा है, तो कहने का मतलब 20 साल इसको हो चुके हैं। और इस कंपनी के अंदर जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, अभी के समय में 2500 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि करोड़पतीज हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो 25,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि विदेश यात्रा यहाँ से जीत चुके हैं, और हमारी सेफ शॉप संस्था के पास 22 ब्रांड हैं, और 22 ब्रांड के 155 प्रोडक्ट हैं जिसके साथ हम टाई अप होकर काम करते हैं, और हमारी जो कंपनी है और रिटेल में भी अब एंटर अच्छे से कर चुकी है। तो सर ये था हमारा फैक्ट्स एंड फिगर, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप यह वीडियो पॉज करके इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं, कोई पूछे तो आप बेझिझक होकर हमारे डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं उन्हें कि हमारा ये चीज़ सेटिस्फाइड है। आगे बता दूं आपको, मैंने बताया था 22 कंपनी है, तो यही 22 बड़ी कंपनी है, रेमंड है, बिमल है, ग्रासिम है, मियाँ कासा है, ये सारी कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। रेमंड एक ऐसी कंपनी है जो 100 साल पुरानी है, जो मार्केट में अपना परचम लहरा चुकी है, आज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि रेमंड कंपनी का कपड़ा अच्छा है, आदमी को खुद ही पता चल जाता है, बड़े बड़े मॉल इसका प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े मॉल में इसके बड़े बड़े शोरूम होते हैं। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी जो कि 100 साल पुरानी है और वो सेफ शॉप के साथ टाई अप होकर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो होगी सेफ शॉप में, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ सर? तो बिल्कुल आपको भी इन सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के प्रोडक्ट को प्रमोट करने का मौका मिलता है, और यहाँ से आप लाखों रुपये की इनकम ले सकते हैं। देखिए आज मैं आपको बता दूंगा कि ये बिजनेस अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपने क्यों किया है। अगर आपने इस बिजनेस को किसी भाई के माध्यम से या अनजान व्यक्ति के माध्यम से ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप उसका थैंक्स पे कीजिए, क्योंकि कोई भी एक बात मैं हकीकत आपको बता दूं, कभी भी आपके घर भगवान नहीं आएगा कि गेट खोलेगा और ये ले भाई तेरे 1 करोड़ ले जा अपने सारे सपने पूरे कर ले, ऐसा कभी भी नहीं होता है। भगवान खुद नहीं आता बल्कि एक माध्यम भेजता है,
एक जरिया भेजता है आपके पास कि ले ये जरिया तेरे सामने है, तू इसके माध्यम से जो भी चाहे वो कर सकता है। तो मैं आज आपको बता दूंगा कि सेफ शॉप कंपनी भी किसी जरिए के माध्यम से आप तक आई है, आप अगर चाहें तो इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, वरना नौकरी तो आपकी चली रही है, किसका क्या ले जाओगे। देखिए इस बिजनेस को आपने क्यों ज्वाइन किया है मैं आपको आज आपका क्यों क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो आप इस कंपनी में पूरे बिलीव के साथ काम कर पाएंगे। देखिए हर जगह क्या होता है कि बॉस का और लॉस का डर होता है, सच्चाई तो यही है कि अक्सर आदमी जो है वो डर से जीता रहता है। नौकरी करता है तो बॉस का डर रहता है, और कोई बिजनेस या व्यापार करता है या खेती करता है तो उसमें लॉस का डर रहता है। लेकिन अगर आप सेफ शॉप संस्था में काम करते हो तो आपको बॉस से भी और लॉस से भी छुटकारा मिल जाता है, और यहाँ राजा की तरह स्वतंत्र जिंदगी जीने का मौका मिलता है। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ से सिक्योरिटी ले रहे हैं, और आज वो दुनिया में नहीं है फिर भी उनकी फैमिली को लाखों करोड़ों रुपए महीने के हफ्ते के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस सेफ शॉप संस्था में एक टीम बनाई, 1,000, 2,000, 10,000 की उनकी टीम बनी। जब उनका देहांत हुआ लेकिन उनके साथ बनाए गए, उनके द्वारा बनाए गए टीम 1,000, 10,000 लोगों का उनका देहांत नहीं हुआ, और आज वो 10,000 की टीम 10,00,000 की टीम बन चुकी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आज हमारे पास, जिनमें से मैं कुछ बताना चाहूँगा। हमारे श्याम सुंदर जी हैं यूपी गाजीपुर के रहने वाले, इनकी फैमिली में जो इनकी वाइफ थी केवल 4 क्लास पास है, और एक सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज इनकी फैमिली को करोड़ों रुपए जा चुके हैं और इनकी टीम साइज लाखों की हो चुकी है। और भी एक एग्जांपल अवधेश कुमार जी हैं, अवधेश कुमार यादव जी हैं, और ये आज बताने के लिए कोई वो नहीं होता, इनकी फैमिली को एकदम फक्र से कहते हैं कि अगर सेफ शॉप हैं तभी हम जिंदा हैं। क्योंकि आपको पता है किसी फैमिली का अगर कोई पेरेंट्स में फादर की देहांत हो जाता है तो उस फैमिली को कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। अगर ये सेफ शॉप कंपनी में नहीं होते तो आज इनका कुछ भी अस्तित्व ही नहीं होता, लेकिन आज इनकी फैमिली बड़े ही शान शौकत से रह रही है। जिंदगी में कभी टूटने लगो तो याद रखना, जिंदगी में निखरता वही है जो पहले बिखरता है। बिल्कुल करेक्ट लाइन है कि अगर आप बिखर नहीं सकते तो याद रखना कभी भी आप निखर नहीं सकते, क्योंकि हमेशा वही निखरता है जो पहले बिखरता है। और सेफ शॉप संस्था के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग निखरने से पहले बिखर के ही बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में इसका एक सर्कल है। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, देखिए टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप इसमें ज्वाइन कर गए, अब आपको इस बिजनेस के बारे में सीखना है। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में मैं रियलिटी में बात करूँ, ना तो आपने कहीं पढ़ा है, ना आपके पिताजी ने कहीं पढ़ा है, ना पिताजी ने किया है इससे पहले, ना आपने किया है, ना आपके खानदान में किसी ने इस नेटवर्क मार्केटिंग को एक एथिक्स के साथ, एक पूरे रूल के साथ, रेगुलेशन के साथ किया है। सही कह रहा हूँ बिल्कुल? अगर आपको ये बात चुभ रही है तो आप इसे ध्यान से समझिए, अगर आपने भी उनके तरह की है तो आप भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और सच्चाई तो यह है, जो काम आप पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं और उससे उतना ही आपको इनकम मिला है, तो आने वाले समय में आपको उतना ही मिलेगा जितना पिछले 10 साल में मिला है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं और वो सीखते नहीं है, डायरेक्ट अर्न करने पे चले जाते हैं, लर्न का चैप्टर बीच से काट देते हैं और इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। 3 से 4 महीने काम करते हैं, सीखते हैं नहीं, लोगों से बात करते हैं, वो लोगों को बताते हैं, लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, उसका जवाब कैसे देना वो सीखते ही नहीं है, और वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। इस बिजनेस में फेल होने का केवल एक ही माध्यम है, वो है आपका क्विट कर जाना, आपके हौसलों का टूट जाना, और भी कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें पहले आपको ज्वाइन करना है, 6 महीने तक की इसकी होती है एजुकेशन की क्लास, 6 महीने तक का आपका स्लो काम चलता है, क्योंकि आप सीख कर इस काम को करते हैं। तो आपको सीखना है फिर अर्न करना है, और अगर आपने डायरेक्ट अर्न पे गए लर्न नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपने इस प्रोसेस, इस साइकिल को फॉलो किया तो आप यहाँ 110% सफलता पा सकते हैं। आगे देखिए, जान लेते हैं 4 सेक्टर होते हैं जीवन में, और पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं करूं, पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो केवल 4 सेक्टर ही होते हैं जहां लोग बिलोंग करते हैं जिस सेक्टर से। देखिए पहला होता है एम्प्लॉय, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा होता है बिजनेस ओनर, चौथा होता है इन्वेस्टर। यही 4 मेन कैटेगरी होते हैं। इन मेन कैटेगरी को भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को कैटेगरी ए देते हैं और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को कैटेगरी बी देते हैं। देखिए
कैटेगरी ए जो है जिसके अंदर इम्प्लॉय आता है यानी कि यू हैव अ जॉब, आपके पास एक नौकरी होती है, और कैटेगरी ए में दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय जो कि एक डॉक्टर होता है, कोई परचून की दुकान वाला हो गया जो खुद का एक काम करता है। तो सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जो है ये कैटेगरी ए में आते हैं, और इनकम की बात करूँ तो ये एक्टिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब है नौकरी करने वाला जब तक नौकरी पर जाएगा तब तक के पैसा आएगा, अगर एक दिन भी एब्सेंट कर दिया तो उस दिन का पैसा कट जाएगा। दुकानदार जब तक शटर खोलेगा, डॉक्टर जब तक क्लिनिक खोलेगा पैसा आएगा, जिस दिन बंद उस दिन एक भी रुपए की इनकम नहीं आएगी। तो कैटेगरी ए में दुविधा वाली बात यह है कि कैटेगरी ए में 95% लोग काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे बात करूँ तो आप भी कहीं ना कहीं कैटेगरी ए से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन पैसे की अगर मैं बात करूँ ना साहब, तो कैटेगरी ए वालों के पास यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास दुनिया का केवल 5% पैसा होता है, और पब्लिसिटी की बात करूँ, दुनिया की जो पब्लिक है सब एक कैटेगरी में ही जाने के लिए मरते रहते हैं। माँ बाप भी वही कहते हैं, बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो और फिर बच्चे को पढ़ाओ। फिर हम अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो, और बाकी किसी के माँ बाप ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा पढ़ो लिखो और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनो। क्या आपकी फैमिली ने कभी कहा है? नहीं कहा है, ना मेरी फैमिली ने कहा था। लेकिन ये होता है, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैटेगरी ए जो है जो कि एक्टिव इनकम ले रहा है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय उसके अंदर आता है, 95% लोग इस कैटेगरी में मारामारी कर रहे हैं, कंपटीशन झेल रहे हैं, इसलिए उनके पास आज दुनिया का केवल 5% पैसा है। और कैटेगरी बी की बात करूँ तो यहाँ होता है बिजनेस ओनर और होता है इन्वेस्टर। देखिए ये दोनों ऐसी कैटेगरी हैं जो कभी भी अकेला काम नहीं करता, इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है। अगर आपके पास 10-15 करोड़ हैं तो आप बन सकते हैं, पहले से ही करोड़पति हैं, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, पैसा कमाएगा आपका। और दूसरा जो है वो है बिजनेस ओनर। कभी भी एक व्यक्ति काम करके बिजनेसमैन नहीं बन सकता, एक टीम चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। बिजनेस ओनर 50 से 60 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 10000 लोग की एक टीम साइज मेंटेन करते हैं। 10000 लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, और सोचने की बात यह है कि ये पैसिव इनकम है और यहाँ केवल 5% लोग हैं। दुनिया का 95% पैसा जहाँ मिल रहा है वहाँ केवल 5% लोग ही हैं। इसलिए आज आपके पास मौका है, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप 95% की कैटेगरी में हैं और आपके पास आज मौका है कि आप भी चाहें तो केवल 5% की कैटेगरी में आप आ सकते हैं। अगर आज आपके पास केवल 5% पैसा है तो आप भी चाहें तो आने वाले 4 से 5 साल में आप भी दुनिया का 95% पैसा की कैटेगरी में आ सकते हैं। सर आज आपके पास मौका है और ऑलरेडी आपको मौका मिल चुका है सेफ शॉप संस्था में ज्वाइन होने के बाद, इस मौका को छोड़े ना, 3 से 4 साल इस बिजनेस को क्विट ना करें। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी 3 से 4 साल के अंदर दुनिया के 5% लोग में आएंगे और दुनिया का 95% पैसा आप यहां से अर्न करेंगे। देखिए जीवन की हकीकत यह है कि हर आदमी का अपना सपना होता है कि मेरा मान सम्मान हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास बंगलो हो, मेरे पास ज्वेलरी हो, मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाऊँ, देश विदेश जाऊँ, बैंक बैलेंस हो, टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, वेकेशन हो। ये जो बड़ा सर्कल दिख रहा है ना अभी आपको, ये सब सपने होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी थे, सबके ही होते हैं जब वो छोटा होता है। लेकिन मार्केट में जब 18 साल से वो बड़ा होता है और दुनिया में जब नौकरी करने जाता है ना, नौकर जब वो बनता है किसी और का, तो उसको इनकम जो मिलती है ना 15-20 हज़ार, मैक्सिमम 30 हज़ार बस, और भी 30 हज़ार उसको मिलता है जो बढ़िया ग्रेजुएटेड होता है, पोस्ट ग्रेजुएटेड होता है, अदरवाइज 30 हज़ार उसको भी नहीं मिलती। ग्रेजुएटेड भी 10 से 15 हज़ार के बीच में ही भटकते रहते हैं। तो कहने की बात, सोचने की बात यह है कि इतने बड़े बड़े सपने जो हम देखते हैं और जब मार्केट में हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो इनकम जो 20 से 30 हज़ार मिलती है तो हमें पता चल जाता है हमारी औकात का कि 20 हज़ार में भाई गाड़ी BMW ले नहीं सकते, विदेश जा नहीं सकते, बंगला ले नहीं सकते, और क्या करते हैं हम फिर डिलीट करते हैं। क्या करते हैं डिलीट में? देखिए, नहीं चाहिए मान सम्मान, बड़ी गाड़ी का क्या करेंगे हम, बंगलों का क्या करेंगे, झुग्गियों में रह रहे हैं, रूम रेंट में रह रहे हैं, ठीक है अपना गांव ही बेस्ट है। ज्वेलरी का हम क्या करेंगे, बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा के क्या करेंगे, मैं खुद भी तो सरकारी में पढ़ा हूँ ना, वहीं पढ़ा लेंगे। उसके बाद विदेश जाकर क्या करेंगे, बैंक बैलेंस का क्या है,
जितना पैसा है उतनी टेंशन। टाइम फ्रीडम का क्या, बिजी लाइफ इज इक्वल टू इजी लाइफ। फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत नहीं है, वेकेशन की ज़रूरत नहीं है, और हम अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ में बदल देते हैं। कहने का मतलब है जितना रुपए कमा रहे हैं उसी हिसाब से गुजारा करेंगे। माँ बाप भी यही सिखाते हैं, जितनी चादर है उतना ही पैर पसार, ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसी स्टेप को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन आज आपके पास मौका है, क्योंकि आज आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने इनकम के सोर्स को बड़ा कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपने डिसीजन ले लिया है सेफ शॉप संस्था में ज्वाइन होके, तो यहाँ से आप भी 3 से 4 साल एक बिलीव के साथ कीजिए। आप भी को जो भी सपने अभी दिखाए गए थे वो सारे के सारे आप अपने इस बिजनेस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत वेलकम हो, क्योंकि सही मंजिल के लिए सही वाहन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे अभी चांद पे जाना है, बाईसाइकिल और हेलीकॉप्टर एरोप्लेन दे दें, फिर भी हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है चांद पे जाने के लिए रॉकेट की ज़रूरत होती है। रॉकेट के बिना कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जो चांद पर चला जाएगा। तो रॉकेट होगा तभी तो चांद पे हम जाएंगे। उसी कहने का मतलब है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपके पास इनकम का सोर्स कैसे बड़ा होगा, ऐसा कोई माध्यम होना चाहिए, और सेफ शॉप संस्था आज आपके पास माध्यम है जहां से आप अपने सपने को पूरा करने वाले इनकम को आप बढ़ा सकते हैं और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। देखिए, काम और धाम का मैंने हकीकत आपको बताया था, एक बार और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक समान आई जो मिल रही है, ये है आपकी जॉब। जितना काम उतना दाम। राइट हैंड साइड में गुणात्मक आई जो आपको दिख रहा है, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। एक बार काम, जिंदगी भर दाम। दोनों में अंतर क्या है देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग केवल आपको 4 से 5 साल करनी पड़ती है, जबकि नौकरी आपको ज़िंदगी भर करनी पड़ती है। 40 साल यहाँ लिखा है, लेकिन 40 साल क्या है, 40 साल आप नौकरी करते हैं, 18 साल से नीचे कोई नौकरी देता नहीं है, 2 साल नौकरी ढूंढने में लगते हैं, 20 साल में हमें नौकरी मिली, और उसके बाद 40 साल तक नौकरी किया, 60 साल में रिटायर। 60 साल के बाद दुनिया में कोई नौकरी नहीं देता है। तो कहने का मतलब है 40 साल आप नौकरी करेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग केवल 4 साल में वो सब अचीव कर सकते हैं जो आपने 40 साल में नहीं किया। समझाने की कोशिश करता हूँ, नौकरी में क्या होता है, 1 साल ले लो या 5 साल ले लो या 10 साल ले लो या 40 साल ले लो, क्या होता है, अगर 1 साल भी काम करते हो तो पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हो और पूरे 30 दिन 8 घंटे काम करते हो। कहने का मतलब है आज पूरा 8 घंटे काम किया और ऐसे ही 8-8 घंटे पूरे 30 दिन तक करूँगा तो 1 महीने की इनकम मेरे को निकल के आएगी, वो जो अभी आपको ऑरेंज सा सर्कल दिख रहा है वो। लेफ्ट हैंड साइड में एक समान आय में बात कर रहा हूँ। वैसे ही 5 साल भी आप 8 घंटे ही काम करोगे, 30 दिन तक करोगे और इनकम उतना ही मिलेगा। जब 40वां साल हो जाएगा तो भी आप उतना ही काम करोगे। कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो बोलता होगा कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, एक ही कंपनी में 20 साल से काम कर रहा हूँ, पहले 8 घंटे करता था और अब तो 1-1.5 घंटे में ही निपटा देता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना घंटे काम करोगे उतना घंटे का ही आपको इनकम मिलेगा। और हाँ, कई लोग और भी ज़्यादा समझदार होते हैं, बोलते हैं पहले साल जब मैं कंपनी में ज्वाइन हुआ था मेरे को यार 15-20 हज़ार मिलता था, लेकिन 40 साल हो गए एक्सपीरियंस के और आज मुझे मिलता है 50 हज़ार या 1 लाख। तो भैया, मार्केट में जो महंगाई बढ़ रही है ना, उस हिसाब से आपकी इनकम कुछ भी नहीं बढ़ी है। अभी आप मार्केट में जाके देखो, अगर आपके पास 500 रुपये है ना, तो 500 रुपये 2 दिन का सब्जी का खर्चा नहीं होता, इतनी स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आने वाले समय में 4 से 5 साल में महंगाई और भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ने वाली है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने बताया था केवल 4 से 5 साल में आप वो हासिल कर सकते हो जो आप पूरी ज़िंदगी नौकरी कर नहीं कर सकते हो। देखिए, इसमें 6 महीने आपको सीखना पड़ता है। सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है ब्लू कलर का, वो काम है और ऑरेंज वाला दाम है। मैंने बताया था वहाँ काम ज़्यादा करना पड़ता है यहाँ शुरू में, क्योंकि आपने कभी इस बिजनेस के बारे में ना सुना है, ना देखा है, ना सीखा है, ना पढ़ा है, तो यहाँ सीखना पड़ता है। काम होता है ज़्यादा और पैसा मिलता है कम शुरू में। 1 साल हो जाता है तो धीरे धीरे हमारा काम कम होता है, पैसा बढ़ता है। 2 साल होता है तो काम और कम होता है, पैसा और बढ़ता है। 3 साल होता है तो काम और कम होता है, पैसा और बढ़ता है। जैसे ही 4 साल होता है, आपकी टीम 10 हज़ार की यहाँ से बन जाती है और आप अब आपके लिए अगर 10 हज़ार लोग भी आधा आधा घंटा काम करेंगे तो 5 हज़ार घंटे आपके लिए रोज़ काम होगा। और जब आपने 8 घंटे काम किए थे लेफ्ट हैंड साइड में तो कितनी इनकम मिल रही थी आपको पता है? तो आपके लिए जब 5 हज़ार घंटे रोज काम होंगे तो 5 हज़ार घंटे का अगर 1 रुपये भी 1 घंटे का मैं जोड़ लूँ ना,
तो 5,000 रुपये रोज के हिसाब से आप इतनी इनकम 4 साल यहाँ से काम करके कमा सकते हैं। एक अप्रोक्सीमेट डाटा ले तो 4 साल अगर यहाँ काम करें तो महीने के लाखों रुपए यहाँ से आप कमा सकते हैं। ये है रियलिटी। अगर आप समझ गए तो वेल एंड गुड है, और नहीं समझना चाहते हैं तो भैया आप पूरे 40 साल नौकरी करो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए हमारी कंपनी ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए कहाँ से देती है, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, एक कंपनी होता है जो कि सामान बनाता है, मैन्युफैक्चर। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट हम फैक्ट्री से तो सामान खरीदते नहीं हैं, हम सामान खरीदते हैं दुकानदार से, जिसको कहते हैं रिटेलर। देखिए कोई नहीं, किसी कंपनी ने एक मोबाइल फ़ोन बनाया 10,000 का, लेकिन वो फ़ोन कभी 10,000 का बना नहीं होगा, ये बात मानने वाली है। फ़ोन 3 से 4 हज़ार का बना होगा, 5,000 का कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के पास आते हुए हो गया, 6,000 का डिस्ट्रीब्यूटर के पास आकर हो गया, होलसेलर के पास 7 का और दुकानदार के पास 8 का। तो अब डीलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट ने अगर अपना बीच में सिस्टम डाला है, पैसा लगाया है, टाइम लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमाएंगे। सही बात है, कमाना भी चाहिए। तो इन सब ने रिटेलर को जो 8,000 का मिला फ़ोन, अब रिटेलर से ख़रीदा कस्टमर ने, मतलब कष्ट से मरने वाला व्यक्ति, कस्टमर, ग्राहक। तो ग्राहक को वही 8,000 का फ़ोन जो कि मार्केट में बना था 3,000 का, आपको 10,000 का दिया गया। दुकानदार ने भी 1-2 हज़ार का प्रॉफिट लिया। तो सेम काम क्या करती है, बाहर के ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग हमारी कंपनी में क्या होता है, कोई भी सामान फैक्ट्री में बनी, जैसे आप, मैंने बताया था रेमंड बिमल ग्रासिम ब्रांड है हमारे पास, रेमंड कंपनी के जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, अब डायरेक्ट फैक्ट्री से हमारे सेफ शॉप संस्था में प्रोडक्ट आया, और सेफ शॉप संस्था डायरेक्ट आपको पहुँचाती है, प्रोडक्ट डिलीवर कराती है। ये जो बीच के पैसे कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर के पास जाते थे, यही एक सिस्टम के माध्यम से आप में आते हैं। आप ऐसा ना सोचे कि डायरेक्ट सेफ शॉप संस्था फैक्ट्री से ला रही है 3,000 का सामान, तो 10,000 का फ़ोन हमें 3,000 में देगी। नहीं, 10,000 का फ़ोन आपको 10,000 में ही देगी, लेकिन बीच के जो 7,000 रुपये थे ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंट खा रहे थे, ये सब एक सिस्टम के माध्यम से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से हमारी कंपनी लाखों रुपये देती है। यहाँ पैसा ही नहीं देती, बल्कि मान सम्मान, ऐसी ऐसी चीज़ देती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ क्यूएससी क्या है, जैसे ही आप इस संस्था में ज्वाइन होते हैं, हो तो गए ही हैं ऑलरेडी, जैसे ही आप अपने माध्यम से 3 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, तो उससे होता क्या है, आप QSC के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, और आप यहाँ से 1 हफ्ते में 5,900 की इनकम लेते हैं, और आपको मंच माला माइक मिलता है जहाँ से आप अपनी पूरी फीलिंग बता सकते हैं लोगों को। देखिए हर आदमी ज़िंदगी में चाहता है कि मेरे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन एक मान सम्मान होना चाहिए, एक माइक माला मंच होना चाहिए, जहाँ आपके पास मौका है। आज सेफ शॉप पता है कि आज अपने सारे सपनों को आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। देखिए सपने कैसे बनाने हैं, आप इस बिजनेस में तभी सक्सेस हो पाएंगे जब आपके सपने होंगे, आपके सपनों में दम होगा। सपने कैसे बनाने हैं, ये सारे ड्रीम आपके हो सकते हैं। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और वो लिस्ट कैसी बनानी पड़ेगी, ड्रीम लिस्ट, मैं आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को यहीं पॉज करके आप इसको बनाएं, इस कॉलम को बनाएं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये ड्रीम बनाएं और अपने सपनों को लिखें। आप शॉर्ट टर्म ड्रीम में 3 से 6 महीने में क्या यहाँ से खरीदने वाले हैं उसके बारे में बनाएं, उसकी बात करूँ तो 1 से 2 साल के अंदर क्या लेने वाले हैं उसके बारे में बनाएं, और 3 से 5 साल में इस बिजनेस के माध्यम से क्या अचीव करेंगे वो बताएं। बाकी ये जो प्रोसेस है, वीडियो पॉज करके आपकी अपलाइन आपको अभी बता देंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सारे सपने लिख चुके होंगे। और चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सपने लिखने के बाद क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है। देखिए इस कंपनी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल निभाता है वो है हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि आपको यहाँ से आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके पैशन को जगाने के लिए एक टीम प्रोवाइड करता है, ऐसा सिस्टम जो आपको एजुकेट करता है। इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक शुभारंभ बुक प्रोवाइड की जाती है जो कि आपके बिजनेस का शुभारंभ है, स्टार्टअप है, जिसके अंदर लिस्ट, इनविटेशन, फॉलोअप, FIM के बारे में बताया जाता है अच्छे से, और इसके अंदर लिस्ट होती है 250 लोगों की आप लिस्ट बनाते हैं, और इस बिजनेस को कैसे करना है आगे उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद बात करें तो एक प्रगति सूत्र आपको प्रोवाइड किया जाएगा अभी, इसके अंदर आपको सेफ शॉप संस्था से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हर वो चीज़ दी गई है
जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो, ये भी आपको अभी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद एक प्रेजेंटेशन फोल्डर किया जाएगा जिसके माध्यम से आप दूसरों को इस बिजनेस के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो निभाता है हमारी बिजनेस को सक्सेस के लिए, यहाँ कार्डिनल रूल्स हैं। यहाँ एक ऐसा रूल है जो कि इस बिजनेस को सफल बनाता है, हमेशा ध्यान रखिए। ये तीन रूल में से अगर एक रूल भी आपने फॉलो नहीं किया तो आप इस बिजनेस में मुंह के बल गिर जाएंगे। इस बिजनेस में कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे अगर एक भी रूल आपने ब्रेक किया तो। सबसे पहला रूल है, कोई भी काम पहली बार करने से पहले अपने सक्सेसफुल अप्लाइंस से ज़रूर पूछें। अगर मुझे अभी दिल्ली जाना है तो दिल्ली में उस व्यक्ति से पूछूंगा जो रोज़ जाता है, तो वो मुझे अच्छे से गाइड कर पाएगा कि किस रास्ते में कहाँ रेड लाइट है, कितने टोल टैक्स लगेंगे, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे रोड टूटा है, कहाँ फ्लाईओवर है, अच्छे से मुझे बता पाएगा। और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लूँ जो कभी दिल्ली गया ही नहीं है तो क्या वो मुझे सही गाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस बिजनेस में आप जिस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं उस मुकाम पे आपके सक्सेसफुल अपलाइन ऑलरेडी हैं तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो कभी भी कोई भी काम बिना पूछे ना करें और अपनी टीम में या ग्रो लाइन में, क्रॉस लाइन में कहीं भी नेगेटिव बात का यूज़ ना करें। उसके बाद कभी भी किसी के अहंकार, परिवार के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें और शराब का कभी भी यूज़ ना करें इस बिज़नेस में, क्योंकि इस बिज़नेस में क्या है कि आप इस बिज़नेस को किसी फैमिली के साथ बताते हो, पूरी फैमिली हमारी फैमिली है। अगर उस फैमिली में सिस्टर है, उस फैमिली में अगर लेडीज़ हैं और वो बड़ी हैं तो हमारी माताएं हैं, और हमारी उम्र की हमसे छोटी हैं तो हमारी सिस्टर है। इस बिज़नेस में अगर सामने वाले पर्सन को सिस्टर और मम्मी की जगह दोगे तभी इस बिज़नेस में आप बड़ा कर पाओगे। क्योंकि अगर आपकी सोच में थोड़ा सा भी कुछ गलती आई, अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ गलत सोचा तो सामने वाला आपको घर में घुसने ही नहीं देगा, पहले ही धक्के मार के निकाल देगा। और हमारा जो बिजनेस है एक फैमिली बिजनेस है, एक रिस्पेक्ट वाला बिजनेस है, फुल ऑफ एथिक्स को फॉलो करने वाला बिजनेस है। अगर इस तीन कार्डिनल रूल को आपने परमानेंट फॉलो कर लिया और आपने अपना लिया तो आप इस बिजनेस में 100% सफल हो सकते हो। देखिए, आप ज़िंदगी में तब आगे नहीं बढ़ते जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बल्कि आप आगे तब बढ़ते हैं जब कोई आपको रोकने की कोशिश करता है। और आपके साथ भी होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नकारात्मकता देंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी देंगे, बताएंगे ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होगा। और उनसे एक बार पूछा जाए कि आपने कितने दिन किया था तो उनका जवाब आएगा 2 महीने, 3 महीने, हद मार के 6 महीने। इससे ज़्यादा कोई भी इस काम को करता नहीं है, छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो छिक जाता है इस काम को, वो समझ ही नहीं पाता है या समझना नहीं चाहता है, या नेगेटिव लोग की संगत में वो ज़्यादा रहता है। तो देखिए, आपको भी बहुत सारे रोकने वाले मिलेंगे, लेकिन अगर आपका विज़न क्लियर है तो आप इस बिजनेस में 100% सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस होने के लिए आपको कुछ एथिक्स को फॉलो करने पड़ेंगे, आपको समर्पण करना होगा। क्या क्या होगा समर्पण में? आपको अपने आप को समर्पित करना होगा आपके अपलाइन के। क्या होगा कि अपने सपनों के प्रति समर्पण होना पड़ेगा, हमारी कंपनी, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति समर्पित होना होगा, कंपनी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, और अपने सिस्टम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, और लॉस और अपलाइन जो होता है LOS और अपलाइन के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, और अपने प्रोडक्ट के प्रति समर्पित होना होगा, और अपने आप को डेवलप्ड करने के प्रति समर्पित होना होगा। अगर आपको बताया जाए कि आज स्टेज पे जाना है और आज आपको ये सीखना है, क्योंकि आने वाले समय में आप भी 30 से 40 लोगों को स्टेज के माध्यम से गाइड करोगे, तो ये अगर आप समर्पण नहीं देते हो तो आप ये कभी सीख नहीं पाओगे। और H4 जो है, सक्सेस पाथवे पर चलना होगा, और समझ के साथ, पेशेंस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, टीचिबिलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ समर्पित लोगों को वैसे ही लोग मिलते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको भी ईमानदार लोग ही मिलेंगे, अगर आप चोर हैं तो आपके साथ चोर लोग ही आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज सिगरेट पीता हूं तो मेरे भी वही दोस्त बनेंगे जो सिगरेट पीते हैं, और आज मैंने उन्हें पिलाई तो कल वो मुझे पिलाएंगे। और मैं कुछ भी नहीं पीता तो मैं उसी से दोस्ती करूँगा जो कुछ भी नहीं पीता। कहने का मतलब है कि अगर टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी, पेशेंस, ये सब आपके अंदर है तो आपको भी वैसे ही लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये सब होगी। आगे हम बात
करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन आज यहीं समाप्त होती है। देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है इस जहां में, बस ज़रूरत है एक छोटी, एक ईमानदार कोशिश की। अगर आपने लाइफ में ईमानदार कोशिश की तो यहां से सफल ज़रूर हो जाएंगे, यहां से आप ज़रूर डायमंड बनेंगे। सेफ शॉप संस्था आज आपके पास एक माध्यम है जो कि आपको सक्सेस बना सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मीटिंग को सक्सेसफुली सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।